हम हमेशा सोचते हैं शहर में कुछ नहीं हो रहा है, दिस दिस थिंग दैट गोज अराउंड, नथिंग एक्साइटिंग इज हैपनिंग हियर. बट फ्रैंकली देयर आर पॉकेट्स ऑफ वेरी एक्साइटिंग थिंग्स एंड द कराची बिएनाल इज टोटली अनटिकेटेड. लाइक सदर में भी है, स्टेडियम रोड पे भी है और क्लिफ्टन में भी है, सो यू नो इट्स नियर यू. हमारी जगहें ऐसी हैं कि कई दफ़ा हमने सुना है लोगों को कि यार ये तो 20 साल हुआ मैं आया ही नहीं हूँ इधर, ये बचपन में आया था और अब मैं आया हूँ, मैं कितनी अच्छी जगह है, क्या है ये वो. तो ये सब एक कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है एस्थेटिक्स की और प्रेजेंस की. कराची के लोगों को नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान के लोगों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि आएँ, आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करें और बच्चों को लेके आएँ और अभी से बताना शुरू करें कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या चैलेंजेस हैं. इट्स अबाउट अ डायलॉग टू मी, हाउ कैन वी डायलॉग ऑन इम्पोर्टेंट इशूज. ऑब्वियसली एज अ पोस्ट कलोनियल सोसाइटी वी हैव मेनी इशूज. You know, we have instruments of control around us. We have a lot of things that we are unable to say. But through art, we can approach a lot of it. At least kind of go close to it, start a conversation on those issues. आजकल जो art है ना वो बहुत हट गया है, वो aesthetic art जिसको बोलते हैं कि plastic art लिया हुआ है और Leonardo da Vinci वगैरह वो सब चीज़ों के वक्त है, लेकिन वो उससे art बहुत आगे बढ़ गया है, वो बहुत सोशली कॉन्शियस हो गया हुआ है आर्टिस्ट और आर्टिस्ट. जब डिस्कशंस उसके बारे में होते हैं, एक छोटी सी तस्वीर के बारे में, एक छोटे से आर्ट वर्क के, एक छोटे से आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिस्कशन है, तो वहाँ से एक एटलीस्ट ट्रिगर होता है कोई सोशल इशू, किसी छोटी सी भी. और चेंज ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाता है, चेंज ओवर द टाइम आता है और वो डिस्कशंस बार बार हों तो वो चेंज आने की सूरत पैदा होती है. फॉर अ सिटी एज बिग एज दिस, एज मल्टी कल्चरल एज दिस एंड एज ऑल एम्ब्रेसिंग एज दिस विच कराची इज, दे आर मेनी एवेन्यूज दे आर यू नो वेयर दिस डायलॉग इज इम्पॉर्टेंट. रिस्क और रिस्क दो टर्म्स हैं जिनको क्वाइन किया गया है. तो वो देखें, रिस्क एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है जो कि सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, कि सिर्फ फूड है, लेकिन हम उसके अलावा भी लाइवलीहुड के ऊपर बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं. दो साल मेहनत करके आइडिया बनाया, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिस्क हमारे रिफ्लेक्शन कर रहा है हमारे पाकिस्तान का फिलहाल के जो हाल है और मुल्क का, दुनिया का हाल है. और बड़ी मेहनत से बाहर से लोग आए हुए हैं, बाहर के आर्टिस्ट आ रहे हैं, बाहर के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो अपने पैसे देकर आर्टिस्ट भेज रहे हैं यहाँ पर बिएनाले के नाम. ये आर्टिस्ट जो आ रहे हैं वो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क. सो मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि हम छोटी छोटी बातों से एक बड़े इशू को देख रहे हैं, तो वो लोगों को उसको देखना चाहिए और आके पार्टिसिपेट करना चाहिए और पिकनिक साइट भी या खाना पीना भी लें, आर्ट भी देखें, खाना भी खाएं, दोस्ती यारी करें, फैमिली से कनेक्शन करें, दोस्तों से कनेक्शन करें. ये बहुत अच्छा मौका है और जमघटा नहीं होता. जमघटा होता है हमारा सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे, बाकी जो हमारे इवेंट्स जो जगह होती हैं वो बड़ी रिलैक्स्ड होती हैं, अच्छी जगहें होती हैं, आप आकर देखते हैं, नई चीज़ें सोचने मिलती हैं. आर्ट तो ऑब्वियसली थिंकिंग करता ही है आपके लिए, तो वो आपको देगा, आप चाय पिएं, नाश्ता करें, जो भी कुछ को करना है, और मौका ना छोड़ें.